हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू SYC। तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में हम लोग सारेगामा की बात करेंगे, हम लोग शेमरू की बात करेंगे एंड वी विल बी आल्सो टॉकिंग अबाउट टिप्स इंडस्ट्रीज एंड साथ साथ जो म्यूजिक लाइसेंसिंग बिजनेस है उसका पूरा इंडस्ट्री एनालिसिस करेंगे अलॉन्ग विद इंटरनेशनल पीयर्स। तो काफ़ी लोगों ने ये चीज़ मेरे को लिखी एंड काफ़ी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि अमेज़न म्यूजिक क्या सारेगामा का मार्केट शेयर खा जाएगा, क्या स्पॉटिफाई सारेगामा का मार्केट शेयर खा जाएगा, क्या विंक म्यूजिक सारेगामा का मार्केट शेयर खा जाएगा, क्या सावन सारेगामा का मार्केट शेयर खा जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग में इशू है। तो सारेगामा एक्चुअली स्पॉटिफाई या विंक म्यूजिक या सारेगामा या जो हम सावन की बात करते हैं इनसे कम्पीट नहीं कर रहा। एक्चुअली ये सारी कंपनीज इनकी कस्टमर है। इसको समझते हैं कैसे। तो जो आज हम स्ट्रीमिंग बिजनेस की बात करते हैं, बेसिकली सॉन्ग्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक ये तरीका है। तो यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री एवोल्यूशन देखते हैं तो 1960s और 1970s में बहुत विनाइल सीडीज होती थी, जो ब्लैक कलर की बड़ी सीडीज होती थी। फिर 1970s और 80s में आई कैसेट्स। कैसेट्स आप सबने देखी होंगी, आई थिंक मैंने भी अपने बचपन में काफ़ी बार कैसेट्स को देखा था। फिर कैसेट्स के बाद जो एक और अच्छा वे आया म्यूजिक को डिस्ट्रीब्यूट करने का, डैट वॉज थ्रू सीडी। सीडी का 1980s 1990s में आया। फिर 2000 के अंदर क्या हुआ कि इंटरनेट आया एंड इंटरनेट पे वेबसाइट्स आई, समथिंग लाइक नेपस्टर। एंड अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे देखे तो songs.tk करके काफ़ी एक फेमस हुआ था, टॉरेंट्स काफ़ी फेमस हुआ था। तो लोग ऑनलाइन बैठ के जो म्यूजिक उसको डाउनलोड कर लेते थे। तो इस वजह से म्यूजिक इंडस्ट्री में जो पायरेसी थी वो बहुत ज़्यादा रैम्पेंट हो गई थी। तो जैसा कि हम यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं, एक्चुअली में जो म्यूजिक इंडस्ट्री है इसका साइज घटते गया, जो म्यूजिक की लाइसेंसिंग इंडस्ट्री है, क्योंकि पायरेसी काफ़ी ज़्यादा थी। एंड जो सिंगर्स भी हैं, जो 2000 से लेकर 2013 तक सिंगिंग कम्युनिटी पे भी बहुत इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि वो एक्चुअली रॉयल्टीज नहीं कमा पा रहे थे, क्योंकि सबको ये सॉन्ग तो फ्री में डाउनलोड कर रहे थे। बट 2013 में क्या हुआ, बिकॉज पायरेसी लॉज काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गए एंड एप्लीकेशन का जमाना आ गया, माने आप लोग वेबसाइट को छोड़ के आप लोग सब अपने फ़ोन में ऐप डाउनलोड करने लगे गाने सुनने के लिए। एंड ऐप में जो कोई भी अगर कोई सॉन्ग फेक होता है तो उसको पकड़ना आसान है। अगर कोई भी एप्लीकेशन आती है प्ले स्टोर पे या फिर एप्पल के ऐप स्टोर पे, जहाँ पे कोई ऐसा सॉन्ग हो, अगर सपोज करते सारेगामा उस सॉन्ग को ऑन करता है एंड एक ऐसी एप्लीकेशन आई है जो सारेगामा का सॉन्ग यूज़ कर रही है विदाउट द अप्रूवल ऑफ सारेगामा, तो सारेगामा एक्चुअली प्ले स्टोर को बोल के या एप्पल ऐप स्टोर को बोल के उस सॉन्ग को, उस पूरी एप्लीकेशन को ही रिमूव करा सकते हैं। तो 2013 में इस वजह से जो म्यूजिक स्ट्रीमिंग कंपनीज हैं उनका बर्थ हुआ, स्पॉटिफाई, विंक म्यूजिक एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो अमेज़न म्यूजिक है वो 2013 के बाद ही फेमस होना स्टार्ट हुई है। तो 2013 बाद हम स्ट्रीमिंग का जमाना देख रहे हैं। तो यहां पे आपको एक चीज बहुत दिमाग में क्लियर करनी पड़ेगी कि स्ट्रीमिंग बिजनेसेस और लाइसेंसिंग बिजनेस में एक फर्क है। एक बार यहां पे हम पूरी इंडस्ट्री की वैल्यू चेन देखते हैं। तो इंडस्ट्री की, जब हम इंडस्ट्री की पूरी वैल्यू चेन देखते हैं, तो जो फर्स्ट पार्टिसिपेंट आते हैं हमारे पास वो होते हैं म्यूजिक क्रिएटर्स। म्यूजिक क्रिएटर्स कौन है, जो बेसिकली गाना गाते हैं या जो गाना लिखते हैं। सेकेंडली हमारे पास आता है फिल्म प्रोड्यूसर। फिल्म प्रोड्यूसर बेसिकली क्या करता है, सो बेसिकली जो गाने हैं उसके जो राइट्स हैं बेसिकली आगे सेल ऑन करते हैं एंड बेसिकली जितने भी सिंगल्स हैं उनको साथ साथ हायर भी करते हैं। थर्ड हमारे पास जो वैल्यू चेन में पार्टिसिपेंट है, डैट इज द म्यूजिक लेबल। ना म्यूजिक लेबल सबसे इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट है वैल्यू चेन में, क्योंकि ये एक्चुअली में एंड में जो पूरी IP है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी निकल के आती है एंड में, उसकी जो ओनरशिप है वो इनके पास ही होती है, राइट। एंड इसकी जो पूरी ओनरशिप होती है, ये लोग क्या करते हैं कि आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अगर कोई भी सिंगर लाइव परफॉर्मेंस करता है तो उसमें से भी इनको एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या फिर एक जो रॉयल्टी होता है उसका कट मिलता है एंड साथ साथ जो सिंगर्स की मर्चेंडाइज है उसको भी सेल करने में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली अगर आज हम टी सीरीज को देखते हैं, तो टी सीरीज इज एक्चुअली अ म्यूजिक लेबल, जो जितने भी सिंगर्स हैं उनको फेमस बनाने का काम करते हैं, या तो उनका जो वर्क है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। एंड जो म्यूजिक लेबलर है, इसका एक काम और भी क्या इंटरेस्टिंग है कि जो फिल्म प्रोडक्शन हाउसेज हैं, ये उनसे सॉन्ग्स खरीदते हैं। एंड लास्टली जो हमारी वैल्यू चेन है, उसमें स्ट्रीमिंग कंपनीज आती हैं। तो बेसिकली जो स्ट्रीमिंग कंपनीज है वो जो म्यूजिक लेबल कंपनीज है इनके कस्टमर्स हैं, राइट। एंड अगर हम पूरी इंडस्ट्री का प्रॉफिट पूल देखते हैं, तो माइकल मॉबसिन हमें बार बार ये बताते हैं कि आपको इंडस्ट्री की वैल्यू चेन पढ़नी चाहिए इंडस्ट्री का प्रॉफिट पूल समझने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट पूल देखते हैं इंडस्ट्री का, तो इंटरनेशनली भी देखते हैं, अगर मैं इसकी बात करता हूँ स्पॉटिफाई की, तो जो टॉप 4 लेबल्स हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो टॉप 4 लेबल्स हैं, स्पॉटिफाई का कुछ 82% जो सॉन्ग्स हैं वो यहीं से आते हैं, राइट। तो इसका मतलब इंडस्ट्री काफ़ी कंसोलिडेटेड है।
एंड सेकेंडली अगर हम यहाँ देखते हैं जितनी भी रॉयल्टी जनरेट होती है इंडस्ट्री के अंदर राइट उसमें से 58% हिस्सा जो है रॉयल्टी का जो प्रॉफिट पूल है दैट बेसिकली बिलोंग्स टू द म्यूजिक लाइसेंसिंग कंपनीज यहाँ जिनको रिकॉर्ड लेबल्स भी कहते हैं। एंड अगर इंटरनेशनली हम यहाँ पे इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपको बार बार बताता हूँ अपनी सारी वीडियोज में, सीक्वेंट साइंटिफिक हो गया, एल्काइल अमाइंस की वीडियो होगी, यहाँ तक अभी हमने एपीआई का वेबिनार करा था उसमें भी मैंने ये बात करी थी कि हम लोग कंसोलिडेटेड प्रॉफिट पूल्स देखते हैं। सिमिलरली यहाँ पे बहुत कंसोलिडेटेड प्रॉफिट पूल है। अगर मैं इंटरनेशनली इंडस्ट्री को देखता हूं तो 32% मार्केट शेयर एक ग्रुप है जिसका नाम है यूएमजी जिसके पास है। अब अगर हम इस ग्रुप की बात करते हैं तो आपने कोल्ड प्ले करके एक सिंगल सुना होगा, टेलर स्विफ्ट करके सुना होगा, इवन पोस्ट मलोन करके सुना होगा, तो उनके सॉन्ग्स के जो कॉपीराइट है वो इनके पास है। सेकेंडली सोनी म्यूजिक है एंड थर्डली वर्नर म्यूजिक ग्रुप है एंड यहाँ पे क्लोज टू 65-70% मार्केट शेयर इनके पास ही है। लास्ट 5-6 ईयर्स में इनका मार्केट शेयर क्लोज टू 75% से 70% आया है बट अभी भी 70% काफी कंसोलिडेटेड है। सिमिलरली अगर हम इंडियन इंडस्ट्री स्ट्रक्चर को इस टाइम पे देखते हैं तो इंडियन इंडस्ट्री स्ट्रक्चर में भी कुछ ऐसा है कि यहाँ पे क्लोज टू 10-12 प्लेयर्स ही है टोटल में एंड जो टॉप 4-5 प्लेयर्स हैं यही नेशनल प्लेयर्स हैं। ये कौन कौन सी कंपनीज हैं? एक आपका टिप्स इंडस्ट्रीज है, टिप्स इंडस्ट्रीज कुछ 29,000 सॉन्ग्स ओन करता है अपनी कैटलॉग में। सेकेंडली यहाँ पे एक प्लेयर है बाय द नेम ऑफ जी म्यूजिक, बट जो जी म्यूजिक है बेसिकली जो उनके खुद के इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन है उसके सॉन्ग ज्यादा ओन करता है। बट जी ग्रुप में इस टाइम पे एक प्रॉब्लम क्या चल रही है कि एक्चुअली इनके कोर बिजनेस में ही प्रॉब्लम चल रही है, तो दे आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई इनटू ओटीटी, माने जो जैसे हम नेटफ्लिक्स को देखते हैं या हॉटस्टार को देखते हैं तो ऐसी एप्लीकेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनका भी इतना फोकस नहीं है। तीसरा टी सीरीज है एंड टी सीरीज में एक अच्छी चीज क्या है जो बहुत इंटरेस्टिंग रही है, टी सीरीज एक फैमिली रन बिजनेस है एंड 1990s लेके 2020s तक जितने भी गाने आए थे उसमें मेजर मार्केट शेयर इनका है। इवन दो इनकी कैटलॉग सबसे बड़ी नहीं है इंडस्ट्री में बट इनकी कैटलॉग शायद से इस टाइम पे इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा रेलेवेंट है क्योंकि लास्ट 30 ईयर्स में इन्होंने काफी ज्यादा मार्केट शेयर यहाँ पे गेन करा है। एंड लास्ट हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप आता है डेट इज सारेगामा। सारेगामा की इंडस्ट्री में लार्जेस्ट कैटलॉग है, दे हैव क्लोज टू 130,000 सॉन्ग्स इन देयर कैटलॉग। बट यहाँ पे हुआ क्या था कि यहाँ पे जो इनके 1970 से 80s वाली कैटलॉग है ये बहुत ज्यादा है, 2000s के बाद इनका इतना इस बिजनेस पे फोकस नहीं था बट अब इनका इस बिजनेस पे फोकस वापस आ रहा है। एंड सेकेंडली एक चीज और अच्छी क्या हो रही है कि जो रेट्रो म्यूजिक है उसका यूसेज काफी ज्यादा होने लग गया है। अगर किसी को समझना है कि इंडस्ट्री स्ट्रक्चर्स को कैसे एनालाइज करते हैं या अगर किसी को SOIC सेक्टोरल वेबिनार्स अटेंड कर रहे हैं तो बेसिकली राइट नाउ हमने कुछ क्लोज टू 5 सेक्टोरल या 5 to 7 सेक्टोरल एनालिसिस करे कोर्स में, तो हमने जो बैंकिंग सेक्टर है उसको भी कवर करा है, हमने जो अमाइन सेक्टर है उसको भी कवर करा है ऑलमोस्ट 1 ईयर अगो इन द कोर्स इटसेल्फ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा प्लेटफॉर्म और इंटरनेट का सेक्टर है वो भी कवर करा है। रिसेंटली हमने लास्ट संडे API एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर को कवर करा है राइट, एंड साथ साथ जुलाई एंड अगस्त के अंदर जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसको भी कवर करने वाले अपने कोर्स के अंदर अलॉन्ग विद सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स। साथ साथ हमारे कोर्स में जो ऑन 12 जून एंड 19 जून हम लोग दो वेबिनार्स भी कर रहे हैं एंड 12 जून को जो वेबिनार है उसके अंदर हम लोग जितनी भी कंपनीज का रिजल्ट्स आया उसकी बात करने वाले एंड जो 19 जून को हम वेबिनार करने वाले हैं उसके अंदर हम सिनेरियो बेस्ड वैल्यूएशन आई थिंक फर्स्ट टाइम हम सिखाने वाले स्टूडेंट्स को, जिसमें हम बुल बेयर और बेस के सिनेरियो सिखाते हैं, साथ साथ हम DCF का एक माइंडसेट सिखाने वाले हैं। एंड दिस टाइम हमारे मंथली न्यूज लेटर में एक बहुत फेमस इन्वेस्टर है उनके साथ हमारा मंथली न्यूज जो न्यूज लेटर है वो कल ही रिलीज हुआ है सैटरडे को, तो किसी को भी अगर कोर्स देखना है, इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट वैल्यू इन्वेस्टिंग द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। कमिंग बैक टू द म्यूजिक इंडस्ट्री, तो यहां पे अब हम एक चीज देखते हैं कि ये कंपनीज पैसा कैसे कमाती है, सो हाउ डू दे मेक मनी। तो यहां पे बेसिकली 4 सोर्सेज है ऑफ मेकिंग मनी। तो फर्स्ट सोर्स ऑफ मेकिंग मनी अगर हम एक लाइसेंसिंग कंपनी की बात करते हैं सारेगामा कैसे पैसे कमाते हैं स्पॉटिफाई से, तो पहला तो है वेरिएबल फी। का मतलब क्या है कि जब भी कोई सपोज करते हैं आप अपने फोन के अंदर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करी है स्पॉटिफाई की, आप गाना सुन रहे हैं विच इज ओन्ड बाय सारेगामा, तो जब भी आप गाना सुनेंगे तब टेन पैसा जो फी है वो सारेगामा को जाएगी विच इज बेसिकली ओनर ऑफ द म्यूजिक। सेकेंड यहाँ पे फी क्या है, सेकेंड आपका स्प्लिट है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू का। अगर आप स्पॉटिफाई की ऐप पे गाना सुन रहे हैं एंड आपको कोई साथ साथ ऐड भी सुनाई जा रही है तो जो वो ऐड का भी रेवेन्यू है उसका भी एक स्प्लिट जाएगा राइट। एंड थर्ड यहां पे जो बहुत इंटरेस्टिंग सोर्स है डेट इज ऑफ पेड सब्सक्रिप्शंस।
अब पेड सब्सक्रिप्शन में क्या है, अगर इंडिया में ये कल्चर आ जाता है कि जैसे हम नेटफ्लिक्स के लिए पैसा दे रहे हैं हर महीने, आई थिंक मेरे घर से ही 2-3 सब्सक्रिप्शन है नेटफ्लिक्स के, हॉटस्टार का भी मेरे पास सब्सक्रिप्शन है पर्सनली घर पे, अगर हम इन चीज़ों के लिए पैसा दे रहे हैं तो क्या होएगा कि अगर ये जो कंपनीज हैं अमेजोन म्यूजिक हो गया, विंक म्यूजिक हो गया, ये आपको इस टाइम पे फ्री में म्यूजिक ही क्यों दे रहे हैं इस टाइम पे? बिकॉज ये इस टाइम पे आपको सब्सिडी दे रहे हैं। ह्यूमन बींग्स आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट, अगर आपको हैबिट लग गई इन स्ट्रीमिंग एप्स पे गाना सुनने की तो धीरे धीरे करके आप पे एक छोटी सी फीस भी डाली जाएगी 100 या 150 रुपए महीने की। एंड जैसे ही अगर आप 100 या 150 रुपए महीना देते हैं तो क्या आएगा, उसका भी जो एक पर्टिकुलर स्प्लिट है वो सारे गामा जैसी कंपनी के पास जाएगा। तो यहाँ पे इस टाइम पे बहुत ऑप्शनैलिटीज आ रही है इस लाइन ऑफ बिजनेस में। एंड आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज मैं दिखाऊं तो स्पोटिफाई का अगर हम बात करते हैं, अगर ग्लोबली रेवेन्यूज देखते हैं तो 44-45% जो रेवेन्यू है वो सिर्फ पेड सब्सक्राइब, वो जो अगर पूरे स्प्लिट में देखते हैं तो 44-45% जो कस्टमर्स हैं सिर्फ वही पैसा देते हैं स्पॉटिफाई को। बट ये 44-45% जो कस्टमर पैसा देते हैं दे कंट्रीब्यूट 93-94% टू स्पॉटिफाई रेवेन्यूज, माने इतना ज्यादा इंपैक्ट है एज कंपेयर टू फ्री मॉडल। माने जो फ्री मॉडल है वहां पे 55% कस्टमर्स है, यहां पे 45% है। जो 55% कस्टमर्स पैसा इस टाइम पे नहीं दे रहे उससे स्पॉटिफाई सिर्फ 8% रेवेन्यू कमाता है। सिमिलरली अगर हम इंडिया में देखते हैं तो इंडिया में इस टाइम पे क्या चल रहा है कि अगर आज इंडिया में कुछ 200 मिलियन लोग हैं जो इन एप्स पे गाने वाने सुनते हैं, तो इंडिया में क्या प्रॉब्लम है कि इंडिया में लेस देन 1% ऑफ द पॉपुलेशन पैसा पे करती है, राइट? नाउ जस्ट इमेजिन कि एक ऐसा सिनेरियो आ जाए कि इंडिया में ये जो 200 मिलियन सब्सक्राइबर का बेस है दिस ग्रोस टू 600 मिलियन, एंड होता क्या है कि ये 1% पॉपुलेशन जो इस टाइम पे गाने के लिए पे कर रही है ये 1% चले जाता है 5% पे, सिर्फ 5% पे, मैं अज्यूम कर रहा हूँ ग्लोबल एवरेज इस टाइम पे 7% है। तो ऑल ऑफ अ सडन आपका जो रेवेन्यू है जो पेड सब्सक्रिप्शन से आएगा डैट विल ऑल ऑफ अ सडन गो फ्रॉम क्लोज टू 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स टू 30 मिलियन, माने मार्केट साइज यहाँ पे 15x हो सकता है इन विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। एंड क्योंकि ये पेड सब्सक्रिप्शन है तो यहाँ पे जो वेरिएबल फी की बात करी जो 10 पैसे की थी हर एक सॉन्ग सुनने पे, उससे ज्यादा पैसा यहाँ पे मिलने वाला है। और भी अगर हम देखते हैं जो ये म्यूजिक लाइसेंसिंग कंपनीज है ये पैसे कैसे कमाती हैं, बेसिकली ये जो फिक्स लाइसेंस फी है ये भी इशू करती है टू टीवी चैनल्स, एडवर्टाइजर्स, ओटीटी कंपनीज। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल देखें तो सारे गामे ने रिसेंटली जो मैरिको और बर्जर है उनको भी एक वो अपना इशू करा था लाइसेंस, ताकि अगर जो एड बना रहे हैं उसके अंदर जो भी वो गाना यूज कर रहे हैं अगर सारे गामा का है तो अगेन सारे गामा को एक लाइसेंस मनी मिलती है। और क्या तरीका है पैसे कमाने का, सेकंड तरीका एक और है। तो यहाँ पे एक बहुत और भी इंटरेस्टिंग ट्रेंड क्या चल रहा है इस टाइम पे कि अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक के बैन होने के बाद मैं अपने एज ग्रुप में देख रहा हूँ, अपने से 3-4 साल जो मेरे से छोटे लोग हैं उनमें भी देख रहा हूँ, 6-7 साल छोटे लोगों में भी देख रहा हूँ कि इंस्टाग्राम रील्स का बहुत यूसेज हो रहा है। साथ साथ फेसबुक की भी बात करें, अगर कोई भी ये यंगस्टर वीडियो देख रहा है तो आपको पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ इंस्टाग्राम रील्स की। एंड इंस्टाग्राम रील्स में अच्छी चीज़ क्या हो रही है, अगर कोई भी गाना यूज़ हो रहा है एंड अगेन अगर वो सारे गामा का गाना यूज़ हो रहा है या टी सीरीज का भी गाना यूज़ हो रहा है एंड उसको यूज़ करके कोई भी यंगस्टर वीडियो बना रहे हैं, कोई भी ओल्ड पर्सन वीडियो बना रहे हैं, अगेन सारे गामा और डैट कंपनी विल एंड अप मेकिंग मनी क्योंकि इनकी फिक्स लाइसेंस डील हो रही है। लास्ट तरीका ये पैसा कैसे कमाते हैं अपने अपने इस बिजनेस के थ्रू म्यूजिक लाइसेंसिंग के, तो लास्ट तरीका क्या है कि बेसिकली जितने भी लाइव इवेंट्स होते हैं, लाइव इवेंट्स के साथ साथ जो भी परफॉर्मेंसेज होती है सिंगल्स की उसमें से भी इनको एक कट मिलता है रॉयल्टी का। सो दिस इज द वे दे मेक मनी। पर इस इंडस्ट्री के अंदर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या हुई थी पहले कि इस इंडस्ट्री के अंदर पायरेसी काफ़ी ज़्यादा थी। तो यहाँ पे अगर हम म्यूजिक इंडस्ट्री को देखते हैं, इसलिए मैं बार बार सबको कहता हूँ कि कीप योर आईज एंड ईयर्स वाइड ओपन, क्योंकि कभी भी इंडस्ट्री में ट्रेंड चेंज हो जाता है तो आपको पढ़ते रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं 1998 से लेके 2013 तक इंडस्ट्री डीग्रो कर रही थी म्यूजिक लाइसेंसिंग और जो म्यूजिक रिकॉर्ड्स हैं इनकी। बेसिकली ऐसा क्यों होता है, मैंने आपसे बात करी कि पायरेसी काफ़ी ज़्यादा थी। सिमिलरली अगर हम आज इंडिया में देखते हैं तो इंडिया में अभी इस टाइम पे प्रॉब्लम क्या है कि क्लोज टू 67% ऑफ द म्यूजिक है इस टाइम पे पायरेटेड है। एंड अगर यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं चाइना के साथ या ब्राज़ील के साथ, तो चाइना में क्लोज टू 64% म्यूजिक अभी भी पायरेटेड है, एंड ब्राज़ील में 65% है। पर इंडिया में पायरेसी रेट एज कम्पेयर टू 2-3 ईयर्स अगो
फिर भी इन टर्म्स ऑफ साइज डिक्लाइन करें। एंड साथ साथ अगर हम इंडिया और चाइना का कंपैरिजन करें, इंडिया में एक प्रॉब्लम क्या है कि टेक डाउन रेट बहुत कम है, कुछ 30-35% का टेक डाउन रेट है। माने कि अगर कोई पायरेटेड म्यूजिक चला रहा है तो कोई कंपनी उसके अगेंस्ट रिक्वेस्ट डालती है वेबसाइट में या कुछ, तो उसका टेक डाउन रेट बहुत कम है। वेयर एज चाइना में 94% से ज्यादा है। तो चाइना में उन्होंने एक लॉ इंट्रोड्यूस करा था जिससे क्या हुआ कि चाइना के अंदर पायरेसी एकदम बहुत घट गई। एंड चाइना की जो 2025 तक जो इंडस्ट्री है म्यूजिक की, उसका साइज एकदम काफी तेजी से बढ़ गया, राइट? सो अगेन दिस इज व्हाई इट इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि धीरे धीरे पायरेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड गिरते जा रही है। एक यहाँ पे जो मिनी ट्रेंड्स काफी सारे चल रहे हैं, तो एक मिनी ट्रेंड यहाँ पे आज क्या चल रहा है कि अगर हम एप्लीकेशंस में देखते हैं तो इंडियंस यूट्यूब को सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं। सेकेंडली अगर हम एक और चीज ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा मोबाइल का कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। एक चीज जो और बहुत इंटरेस्टिंग है कि ऑन एन एवरेज अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन देखते हैं कि एज कम्पेयर टू अगर हम पूरे ग्लोब की कंपैरिजन देखते हैं, तो इंडियन यंगस्टर्स एंड इंडियन पीपल सबसे ज्यादा गाने सुनते हैं एज कम्पेयर टू अदर पीपल, राइट? तो यहाँ पे एक ट्रेंड क्या चलते जा रहा है कि इंटरनेट के आने से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की जो कैटलॉग है या जो लाइसेंसिंग कंपनीज है, जो इनकी कैटलॉग है, ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो गई है। तो यहाँ पे एक सिंगर थे बॉब डिलन, अगर हम इनका एग्जांपल देखते हैं तो इन्होंने रिसेंटली अपनी जो सॉन्ग्स की कॉपीराइट है क्लोज टू कुछ $300 मिलियन माने कुछ 2100-2300 करोड़ में सेल करी है यूएमजी ग्रुप को। एंड साथ साथ अगर यहाँ पे और चीजें देखनी है कि यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड वैल्यूएशन में क्या हो रहा है, तो इंडियन प्लेयर्स पे भी आएंगे हम, सारे गामा एंड टिप्स पे दोनों पे आएंगे। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो रहा है, जब हम पहले इसकी बात कर रहे हैं UMG ग्रुप की, एंड साथ साथ जब हम टेंसेंट म्यूजिक और जो वर्नर म्यूजिक ग्रुप है इसकी बात करते हैं, तो वर्नर म्यूजिक ग्रुप है उसकी लिस्टिंग कुछ लास्ट ईयर हुई थी एंड इसका कुछ मार्केट कैपिटलाइजेशन इस टाइम पे 1,00,000 करोड़ के आसपास है। जो UMG ग्रुप है इनकी भी लिस्टिंग होने वाली है एंड इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है क्लोज टू कुछ 2,20,000 करोड़ के आसपास इनकी लिस्टिंग होने वाली है। एंड साथ साथ जो टेंसेंट म्यूजिक ग्रुप है उसकी भी रिसेंटली लिस्टिंग हुई थी एंड चाइना में आई थिंक इनके पास सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है। अब यहाँ इंडियन कॉन्टेक्स में ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स में कंपनीज लाइक सारेगामा, अगर हम यहाँ पे इनके जो लाइसेंसिंग रेवेन्यू है अगर हम उसको देखते हैं, तो लाइसेंसिंग रेवेन्यू इस टाइम पे काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। पर इन जो लाइसेंसिंग रेवेन्यू में एक बहुत बड़ा डिस्क्रिपेंसी है जो मेरे को आपको बताना चाहिए कि 2017 तक जो हमारे फोन पे कॉलर ट्यून लगती थी, जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, इनका 60% जो सेल्स है वो यहां से आता था। क्लोज टू 60% सेल्स इनकी इस जो इस साइड का बिजनेस है यहां से आ रही थी। पर हुआ क्या कि ये बिजनेस इनका एकदम ओवरनाइट वैनिश हो गया। तो यहाँ पे आपको करना क्या चाहिए कि ये जो हम यहाँ पे 138 करोड़ देख रहे हैं FY17 में, एक्चुअली में उस टाइम पे जो इनका म्यूजिक लाइसेंसिंग बिजनेस है जो इंटरनेट कंपनीज हैं इनके लिए था, वो कुछ 50-55 करोड़ का ही था। तो इस बिजनेस को फोरगो करने के बाद फास्ट फॉरवर्ड अगर हम आज देखें FY21 में क्लोज टू 240 करोड़ की सेल है। तो सेल पिछले 4-5 साल में कितने से ग्रो करी है, सिर्फ जो भी इंटरनेट कंपनीज हैं, जो स्ट्रीमिंग कंपनीज को अपना लाइसेंस सेल करके क्लोज टू 5x के आसपास। टिप्स इंडस्ट्रीज के केस में भी सेम चल रहा है कि 32-33 करोड़ से आज सेल कुछ 97 करोड़ के आसपास आ गई है। तो शॉर्ट स्पैन ऑफ 2-3 ईयर्स में सेल्स उनकी 2-3x हो गई है। तो दिस इज व्हाई दिस लाइन ऑफ बिजनेस इज इंटरेस्टिंग। एंड अगर हम सारेगामा के अंदर ये चीज चेक करते हैं, तो सारेगामा में इस टाइम पे जो उनका कैटलॉग का स्प्लिट है, जमाने उनके पास जो लाइब्रेरी है गानों की, तो 2001 से लेकर 2021 तक उनके जो गाने हैं उसमें से उनका क्लोज टू 30% रेवेन्यू आते हैं। 1981 से लेकर 2000 तक 28% आ रहे हैं। जो 1961 से लेकर 1980 तक सॉन्ग्स थे उनका 37% आ रहे हैं। एंड जो टिल 1960 सॉन्ग्स थे उनका यहाँ पे इनके पास जो बेसिकली रेवेन्यू स्प्लिट में इनके 5% के आसपास है। तो यहाँ पे अगेन हमें एक और क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए इस कंपनी को एनालाइज करते हुए कि इस सॉन्ग की एक्सपायरी कितनी है, इन सॉन्ग्स की एक्सपायरी कितने टाइम तक है इनके पास लाइसेंस। तो इनके पास टू टाइप्स के लाइसेंस होते हैं। तो एक लाइसेंस इनके पास वो होता है कि जब सॉन्ग पब्लिश हुआ है तो उसके बाद इनके पास 60 इयर्स तक राइट्स होते हैं, राइट? तो माने अगर 1960 में कोई सॉन्ग पब्लिश हुआ तो उसके बाद 60 साल तक इनके पास राइट्स हैं। एंड सेकेंड लाइसेंस इनके पास कौन सा है, अब ये नहीं कि 2020 में लाइसेंस खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होएगा कि जब भी जो सॉन्ग कंपोजर था या जिसने भी सॉन्ग के वो लिखे थे लिरिक्स, इफ ही पासेस अवे, तो व्हाट हैपेंस, उनके जो पासिंग अवे टाइम से भी, सपोज करते हैं कोई सिंगर था जिसने जहाँ जो कंपोजर था उसने 1940s में कोई सॉन्ग लिखा था एंड ही पास्ड अवे इन 1990s, तो 1990s के बाद भी इनके पास 60 इयर्स का राइट है। तो बेसिकली 2050 तक का राइट हो गया।
तो ऑन एन एवरेज एक एक गाने का इनके पास कुछ क्लोज टू 80-100 ईयर्स का राइट होएगा, राइट? तो दिस इज व्हाट दैट मींस। एंड इस टाइम पे क्या हो रहा है रेट्रो म्यूजिक में, तो अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग मूवी आई थी नेटफ्लिक्स पे बाय द नेम ऑफ लूडो। लूडो की इंट्रोडक्शन में एक गाना था ओ बेटा जी, एंड ओ बेटा जी गाना 1940s to 1950s मूवी का था। एंड उसका जो उसका आईपी राइट है वो सारे गामा के पास है। अलबेला कल के एक मूवी आई थी, एंड ये जो ओ बेटा जी गाना है इससे क्या हुआ कि यहाँ पे जो टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम रील्स हो गया, इस पर इतना फेमस हो गया, अगेन यहाँ पे सारे गामा पैसा कमाने लग गया। सिमिलरली टिप्स इंडस्ट्रीज की जब हम बात करते हैं तो टिप्स इंडस्ट्रीज के केस में, टिप्स इंडस्ट्रीज में जो म्यूजिक लाइब्रेरी है वो टुवर्ड्स आतिफ असलम काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। एंड सेकेंडली टिप्स इंडस्ट्रीज के केस में, या अगर हम सारे गामा के केस में भी बात करें, टिप्स इंडस्ट्रीज 1990s में इनकी जो म्यूजिक लाइब्रेरी है काफ़ी हैवी है। यहाँ पे दोनों बिजनेसेस में इंटरेस्टिंग क्या है, अगर कोई भी इन पुराने गाने का जो रीमिक्स है वो बनाता है तो अगेन इन दोनों कंपनीज को जो लाइसेंसिंग रेवेन्यू है वो ये कंपनीज अर्न करेंगी। अगर हम दोनों कंपनीज को देखें तो आज सारे गामा का ROC कुछ 33% के आसपास आ गया, रिटर्न ऑन इक्विटी। एंड अगर हम टिप्स की बात करते हैं तो टिप्स का जो एक्चुअली में जो बिजनेस है लाइसेंसिंग का, वहां पे इनका ROC कुछ 80-100% के आसपास है। माने इतना एसेट लाइट बिजनेस है, क्योंकि ज्यादा कॉस्ट तो बीच में है ही नहीं, आपने सिर्फ जो रॉयल्टी है वो पे आउट करनी है, राइट? पर यहाँ सारे गामा के जो बाकी दो डिविजन है, एक पहले इनका डिविजन है कैरावैन का, एंड सेकेंड इनका डिविजन है जो एक खुद का इनका छोटा सा फिल्म प्रोडक्शन हाउस है। तो पहले हम कैरावैन की बात करते हैं। तो कैरावैन बेसिकली एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है जो इन्होंने 2017 में लॉन्च करा था। इसमें क्लोज टू 5,000 सॉन्ग्स हैं। एंड कैरावैन फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ इट्स लाइफ में कैरावैन ने काफी अच्छा करा, जैसा कि हम यहाँ सेल्स में देख भी सकते हैं। बट 2020 में क्या प्रॉब्लम हुई, इस बिजनेस की डी रेटिंग क्यों हुई, स्टॉक की डी रेटिंग क्यों हुई, क्योंकि 2020 में प्रॉब्लम क्या हुई कि इन्होंने इसके प्रमोशनल एक्सपेंस में, यहाँ इसके एड में काफी पैसा खर्च दिया। एंड कैरावैन जैसे प्रोडक्ट में ग्रॉस मार्जिन ज्यादा नहीं है, 22-25% ग्रॉस मार्जिन ही कमाते हैं। तो जब इन्होंने एड पे पैसा काफी ज्यादा खर्चा तो उस टाइम पे कैरावैन एक्चुअली वेंट इनटू लॉसेस, क्योंकि उस इकॉनमी उस टाइम पे बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो गया था 2019-2020 में। तो इस वजह से मार्केट को क्या लगने लगा कि ये कैपिटल मिस एलोकेशन इशू ना हो जाए, क्योंकि पहले भी सारे गांव में कैपिटल मिस एलोकेशन इशू काफी टाइम से चल रहा है कि जो ओपन मैगजीन है हर महीने 1 करोड़ का लॉस दिखाती है, बट वो काफी सालों से चल रही है। तो मार्केट को लगा कि यहां पे भी कैपिटल मिस एलोकेशन कहीं ना हो जाए, तो स्टॉक की काफी तेजी से डी रेटिंग हो गई, राइट? एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या थी, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY21 तक, ये जितने भी एनालिस्ट या जितने भी यंगस्टर्स सुन रहे हैं, आपके सबके लिए होमवर्क है कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY21 तक आप जाके इनका जो पूरा सेगमेंटल, जो इनका सेगमेंटल रेवेन्यू म्यूजिक का, उसको जाके देखिए, क्योंकि इस सेगमेंटल रेवेन्यू के अंदर इनका जो लाइसेंसिंग रेवेन्यू वो भी मिक्स्ड है, कैरावैन का भी मिक्स्ड है। पर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY21 में, क्योंकि लॉकडाउन हुआ था, सब कुछ हुआ था, तो ऑटोमेटिकली जो रेवेन्यू था वो ऑलमोस्ट कैरावैन का काफी कम हो गया। तो जो भी वहां पे रेवेन्यू रह गया था, एंड जो बाकी इनका जो फिल्म प्रोडक्शन का बिजनेस था वहां पे भी रेवेन्यू एकदम कम हो गया। तो जो इनका रेवेन्यू उस टाइम पे हमें दिख रहा था वो सिर्फ लाइसेंसिंग बिजनेस का था। एंड लाइसेंसिंग बिजनेस की उस टाइम पे हमें इंट्रिंसिक प्रॉफिटेबिलिटी, या जिसको मैं बार बार कहता हूं इंट्रिंसिक पिक्चर ऑफ द बिजनेस, हमें पता लगी कि एक्चुअली में इस बिजनेस में ऑपरेटिंग मार्जिन मोर देन 60% है। माने 60-65% ऑपरेटिंग मार्जिन सारे गामा का इस बिजनेस के अंदर बनता है, राइट? एंड यहाँ पे अगर हम कैरावैन में बात करते हैं कि और क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, कैरावैन को भी ये प्लेटफॉर्म में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो कैरावैन 2.0 आया है, तो यहाँ पे क्या चल रहा है कि आप एक इनकी फोन की एप्लीकेशन है कैरावैन की, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इन्होंने पॉडकास्ट भी लॉन्च करे हैं कैरावैन में। तो कैरावैन को एक पेड सब्सक्रिप्शन टाइप सर्विस में बनाना चाहते हैं, बट मैं यहाँ पे बहुत स्केप्टिकल हूँ। मेरे को नहीं लगता कि इंडियन जो जनता है वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कुछ पेड सब्सक्रिप्शन देना चाहेगी। एक्चुअली टाइम बताएगा ये होएगा या नहीं होएगा। जो यहाँ पे इनका थर्ड लाइन ऑफ बिजनेस है, दैट इज ऑफ यूडली फिल्म्स। अब यूडली फिल्म्स क्या है, बेसिकली एक इंडी प्रोडक्शन हाउस है, माने कि एक छोटा प्रोडक्शन हाउस है। एंड यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि ये कंफर्म्ड टेक एंड पे ऑर्डर्स पे काम करते हैं। इनका जो ऑर्डर करने का काम है दैट इज ऑन फिक्स प्राइस बेसिस। माने अगर यहाँ पे इनकी जो डिफरेंट जो मूवीज हैं इन्होंने उसके लिए प्रोड्यूस करी है, नेटफ्लिक्स के लिए, जी के लिए प्रोड्यूस करी है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारी इन्होंने मूवीज प्रोड्यूस करी हैं, तो इनका टारगेट क्या है कि क्लोज टू 3 ईयर्स में इनके पास कुछ 50 मूवीज हो जाएं। बट इनमें क्या फर्क है इस टाइम पे कि ये बहुत छोटे स्केल पे जो मूवीज है उसमें काम कर रहे हैं, माने जो मूवीज का लो बजट है उसमें काम करते हैं, काफी छोटे बजट मूवीज में काम कर रहे हैं, एकदम बहुत बड़ी मूवीज में काम नहीं कर रहे, तो बजट काफी कम रहता है।
एंड सेकेंडली यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर क्या है कि इनकी 3 साल की टिपिकली डील साइन होती है विद कंपनीज लाइक ओटीटीज लाइक नेटफ्लिक्स एंड जी। जो 3 साल की इनकी डील साइन होती है उसके बाद इस मूवी का जो लाइसेंस है कहीं और पे भी सेल कर सकते हैं या जो सेम ओटीटी है उसके साथ भी रिन्यू कर सकते हैं। तो टिपिकली 3 साल में इस बिजनेस में इतना पैसा नहीं बनने वाला। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या हो सकती है कि 3 साल बाद आपके पास जो मूवी रह गई है अगर उसमें से कोई मूवी हिट हो गई है तो बाद में अगर आप किसी को लाइसेंस कर रहे हैं तो आपका जो कॉस्ट था मूवी बनाने का वो तो अकाउंट्स में आपका जो पहला साल था उसमें ही एक्सपेंस ऑफ हो गया था, राइट? क्योंकि ये अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसी फॉलो करते हैं कि जो भी मूवी बनाने का खर्चा था कि पहले साल में हमने एक्सपेंस ऑफ कर दिया। तो अब 3 साल बाद जो मैं उस मूवी से रेवेन्यू कमाऊंगा वो मेरा सारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आ जाएगा क्योंकि मेरा कोई खर्चा उसमें दिखने ही नहीं वाला। तो इस बिजनेस में ये एक बैक साइड प्रॉफिटेबिलिटी किकर भी हो सकता है। तो अभी इनके पास क्लोज टू 42-50 मूवीज हो जाएंगी एंड 2-3 ईयर्स डाउन द लाइन इन्होंने गाइडेंस भी दिए कि इस बिजनेस को हम ट्रिपल डिजिट में ले जाना चाहेंगे, माने 15-20% से ग्रो करना चाहेंगे। तो ये तो इनका थर्ड लाइन ऑफ बिजनेस था। पर यहाँ पे सारे गामा में आज की सेंट्रल थीसिस पॉइंट ही क्या है कि सारे गामा में आज कैपिटल एलोकेशन इंप्रूव हो रही है। वो हमें कैसे पता है इंप्रूव हो रही है? क्योंकि मैनेजमेंट ने गाइड करा है कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में कुछ 200-300 करोड़ ये जो म्यूजिक लाइसेंसिंग बिजनेस है इसी पे स्पेंड करेंगे। एंड एक्चुअली में ये थीसिस पॉइंट है, अगर ये म्यूजिक लाइसेंसिंग बिजनेस में स्पेंड करते हैं तो यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर जो इनका ROC एंड ROIC काफी ज्यादा है। एंड ये मैनेजमेंट इस टाइम पे बोलती है कॉन कॉल्स में हम 5 साल का जो पे बैक पीरियड है वो एक्सपेक्ट करते हैं, माने कुछ 15-20% रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। पर इस बिजनेस में इंटरेस्टिंग क्या हो जाता है कि 5 साल के बाद क्योंकि आपके पास आपको कोई खर्चा करना नहीं तो जो भी आपके रेवेन्यूज हैं बेसिकली वो आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, माने कुछ 60-70% मार्जिन आ जाता है आपका इस टाइप के बिजनेस के अंदर। एंड यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज क्या हो रही है कि सारे गामा टारगेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट जो जितना भी म्यूजिक आने वाला है उसमें 25% मार्केट शेयर हमारे पास होगा। अब यहाँ पे एक और जरूरी चीज बहुत है कि ये हाई एंट्री बैरियर बिजनेस क्यों है। हाई एंट्री बैरियर यहाँ पे कहाँ से आते हैं? सिंपल है, आप लोग कुछ सोचिए कि एक साल में कितनी मूवीज आती हैं। एक साल में क्लोज टू लगा लें मतलब 400-500 मूवीज आती हैं। एक मूवी में 5 गाने, राइट? तो टोटल में 2000-2500 सॉन्ग्स। किसी को सारे गामा से कंपीट करना है तो सारे गामा के पास आज 130,000 सॉन्ग्स की लाइब्रेरी है। तो किसी को कंपीट करने के लिए अगले 4-5 साल के लिए लॉसेस खाने पड़ेंगे काफी सारे। फिर भी शायद से 10 साल बाद भी वो इतनी बड़ी लाइब्रेरी नहीं बना नहीं पाएगा जितनी सारे गामा के पास लाइब्रेरी है। तो दिस इज अ लॉन्ग जेस्टेशन बिजनेस, माने 20-30 साल यहाँ पे टाइम ऑफ जेस्टेशन भी है। सो अगेन हाई एंट्री बैरियर बिजनेस। तो यहाँ पे की कोर थीसिस पॉइंटर्स है। तो यहाँ पे अभी हम टिप्स इंडस्ट्रीज की भी बात करते हैं। तो टिप्स इंडस्ट्रीज भी एक काफ़ी पुरानी कंपनी है एंड यहाँ पे भी एक फिल्म प्रोडक्शन बिजनेस है एंड यहाँ पे भी एक बिजनेस जो म्यूजिक लाइसेंसिंग है उसका है। तो फिल्म प्रोडक्शन बिजनेस इस टाइम पे टिप्स इंडस्ट्रीज का लॉस मेकिंग बिजनेस है, वेरस जो इनका दूसरा बिजनेस है लाइसेंसिंग का बिजनेस ये इस टाइम पे अच्छी स्पीड पे ग्रो कर रहे हैं। पर जो फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ FY21 है वहाँ पे थोड़ी सी डीग्रोथ आई है। पर इस बिजनेस के अंदर टिपिकली इनका जो इबिट्टा मार्जिन है वो 76-80% के बीच में है। तो ये डी मर्जर स्टोरी है इस टाइम पे। ये अगर ये वाला बिजनेस डी मर्ज हो गया तो अगेन टिप्स इंडस्ट्रीज के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू क्रिएशन यहाँ से भी हो सकती है। बट पर्सनली आई लाइक सारे गामा मोर एंड पर्सनली जस्ट एज अ डिस्क्लोजर मैं सारे गामा के अंदर इन्वेस्टेड भी हूँ एंड यहाँ पे मैं आपको जो वैल्यूएशन में रीजन है वो भी पूरा बताऊंगा। वैल्यूएशन की बात करने से पहले यहाँ पे हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं कि शेमरू के साथ क्या गलत हुआ, क्योंकि काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछा था वीडियो से पहले। तो बेसिकली अगर हम शेमरू की बात करते तो शेमरू बेसिकली फिल्म प्रोडक्शन के अंदर ज्यादा था, इनके पास फिल्म के जो राइट्स हैं वो इनके पास ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम पिरामिड को देखते हैं तो जो इन टर्म्स ऑफ जो कंटेंट जो वैल्यू म्यूजिक की इन टर्म्स ऑफ रेपुटेशन वो फिल्म की नहीं है। एंड शेमरू मेरे साथ क्या हुआ कि इन्होंने फूड डिलीवरी बिजनेस में भी डिवर्सिफाई कर लिया, रेस्टोरेंट में भी कर लिया एंड साथ साथ इनका बिजनेस सिक्लिकल था क्योंकि 50% रेवेन्यू ड्रॉप आया एक क्वार्टर के अंदर जब टेलीविजन वाले सेगमेंट के अंदर एड्स पे इम्पैक्ट आया था। तो एक साइक्लिकल बिजनेस था एंड यहाँ पे एक्सेसिव डिपेंडेंसी एक की कस्टमर पे, अब पता नहीं कौन सा था, मे बी शायद से जो जी है वो इनका की कस्टमर था। तो जो जैसे ही वो कस्टमर इन प्रॉब्लम्स के थ्रू गया साथ साथ जो शेमरू हुआ है उसको भी प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी आई। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं एंड वॉट कैन एक्चुअली ब्रेक द थीसिस, तो पहले टिप्स की बात करते हैं कि टिप्स इस टाइम पे क्लोज टू 15x इबिट्टा मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं, 14-15x, विच अगेन इज चीप इन माई व्यू। बट वी आर मोर इंटरेस्टेड इन सारे गामा, उसकी हम बात करते हैं क्यों। तो यहाँ पे SOIC वैल्यूएशन क्राइटेरिया जो हमारे 4 बकेट्स हैं। तो पहला क्या है कि मार्केट इज सर्टन बट आप अनसर्टन है, जैसे हमने बात करी थी,
फिर दूसरा क्या कि आप सर्टन है बट मार्केट अनसर्टन है। तो जब हमने सारे गामा पर्सनली खरीदा था तो हम जो सेकंड कैटेगरी है इसके अंदर था क्लोज टू 1000 करोड़ 1500 करोड़ मार्केट कैप के आसपास। फिर थर्ड बकेट आती है कि आप अनसर्टन है बट मार्केट भी अनसर्टन है, जो साइक्लिकल बिजनेसेस हैं। एंड लास्ट है कि आप सर्टन है बट मार्केट भी सर्टन है। एंड यहाँ पे आपकी सर्टेनिटी जो लॉन्जेविटी ऑफ ग्रोथ है उस पर ज्यादा होनी चाहिए। तो हमें लगता है कि सारे गामा के अंदर शायद से लॉन्जेविटी ऑफ ग्रोथ भी और ज्यादा है, क्योंकि इंटरनेशनली भी एक कंटेंट की वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और भी यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड आ रहा है नॉन फंजिबल टोकन का, जो मैंने आपके लिए कॉमेंट सेक्शन में डाला कि नॉन फंजिबल टोकन का मतलब क्या है। तो और भी यहाँ पे ऑप्शनैलिटीज प्ले आउट कर सकती है। तो अगेन नथिंग इज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, बट वी हैव एक्चुअली एवरेज डब इन सारे गामा इवन एट दीज वैल्यूएशन। सो ये अकॉर्डिंग टू अस्सी है। तो अगेन आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं लेनी, आपको ये सोचना है कि हम इस टाइम पे भी हमने इस बिजनेस के अंदर एवरेज अप करे रिसेंटली, राइट। एंड यहाँ पे हमारी थीसिस ब्रेकडाउन क्या कर सकता है कि अगर आरपीजी गोइन का ग्रुप अगर कैपिटल को डिवर्सिफाई करता है जैसे ओपन मैगजीन में इन्होंने करा है, एंड सेकेंडली अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाए कि कंपेटिटिव इंटेंसिटी ही इंडस्ट्री में के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए कि जो इंडिपेंडेंट लेबल्स है वो इरेशनली कंटेंट के लिए बिड करने लग जाए। एंड लास्टली यहाँ पे और क्या हो सकता है कि अगर जो अगर ये बहुत ज़्यादा एड एक्सपेंसेस कैरवैन के ऊपर खर्चने लग जाए। सो दिस वॉज आर थीसिस ऑन सारेगामा एंड ऑन द एनालिसिस ऑफ शेमरू टिप्स एंड द इंटरनेशनल प्लेयर्स। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड साथ साथ अब नेक्स्ट 2-3 वीक्स के लिए हर हफ्ते हम आपके लिए 2 वीडियोज निकालेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, होप टू सी इन द नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस ऑफ SYC।